महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दूसरी तरफ सड़कों पर भी शिवसैनिक और एकनाथ शिंदे के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि दोनों तरफ से विरोध के तरीके भी बदले हैं। शिवसैनिकों और एकनाथ शिंदे के समर्थकों की जंग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर जारी है। सोमवार को महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ी संख्या में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे। इस दौरान शिवसेना के बागी नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक ठाणे में उनके आवास के बाहर जमा हुए। इस दौरान शिंदे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ने को कहा। बड़ी संख्या में शिंदे समर्थकों ने उनकी पहल का स्वागत भी किया। दूसरी तरफ दिल्ली में शिवसैनिकों ने बागियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देते रहने का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के लिए शिंदे गुट के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया। बताते चले कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी 39 विधायकों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। ये भी कहा गया कि विधायकों की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। शिंदे गुट के बागी विधायक असम के होटल में ठहरे हुए हैं। इसके अलावा बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।